अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे देखें जी, 12:30 का टाइम है। यहाँ पे अब्बू जी बाहर बैठे हुए हैं, तो ये देखें बादल आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, तो सना का आया अभी फ़ोन, वो आने आ रही है, रास्ते में है। तो मैंने घर के लिए सुबह बनाया था कद्दू गोश्त, सुबह सुबह हांडी बना के रख ली थी, और अब मैंने यहाँ पे रखी हुई है जी यखनी, ये देखें। तो ये मैं बनाऊंगी पुलाव। मैं चलो जो नाल पता नहीं बच्चे ने कि नहीं, उन्हें तो कुछ दसिया नहीं, बस उसने ये कहा मैं 40 मिनट्स तक पहुंच रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें कद्दू गोश्त भी मैंने गर्म किया है। तो ये धनिया काट के रखा हुआ है, साथ में मेरे पास पड़े हुए हैं बाज़ार वाला जी, क्या उन्होंने कहते हैं गोला कबाब, उनका सालन बना लेती हूँ फटाफट। तो यह देखो यखनी बस साड़ी होने वाली है। मंगवाए हैं समोसे और दही भल्ले, तो पहले तो आएंगे तो वही खाएंगे। हाँ जी आम पहले आम दिया। अच्छा आहो, सना आ गई है जी, सना आ गई है। देख ये लो भाई हमारा कद्दू गोश्त तैयार। ये जी अब्बू जी का, अब्बू जी की रोटी, टाइम देखें बैठे हुए हैं। सना पहले खाएगी समोसे, मुझे लगा था बच्चे आ रहे हैं साथ, बच्चे तो आए कोई नहीं। तो यह देखो हेलो अब्बू जी, नहीं नहीं ये मैं मंगवाए ने, मैंने लग्या सी बच्चे आंदे पर नाल, बच्चे तो आए कोई नहीं। तो यहाँ पे भी समोसे खाएंगे। और मैंने लगाया हुआ है जी प्रेशर है, देखो सूट मैंने अपना श्रिंक करके जो डाला था, ये उसका ट्राउज़र है, ये देखें ये सूट का ट्राउज़र, ये पांचों पे आएगा, पांचों पे बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा। ये भी चोई जो बच गया तो करांगे डिज़ाइनिंग कुछ कमीज के बाजुओं की, सूट मैंने वो लटकाया हुआ। ये देखें मौसम ज़बरदस्त एंड मस्त। हुई गर्मी, ये लें जी चटनियाँ शटनियाँ चने समोसिया के नाल। हेलो ये लोग तो खाएंगे अब समोसे। चलो आ जाओ पहले सुना के खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ छड़िया फाड़ के। हेलो जी सना खान खाएंगी समोसा, जाओ ले आओ जल्दी करो। अब्बू जी अब्बू जी कैसी पकी है आंटी? फर्स्ट क्लास। काली नमक मिर्च में मैं पकाए ने कद्दू, कद्दू गोश्त काली नमक मिर्च में। आए हाय तेनू की हो गया नी। गैस जो है वो 3 बजे चली जानी है, तो मैं जल्दी से अब बनाऊ पुलाव। तो यहाँ पे जी बनेगा पुलाव, चलो पेट तो नहीं निकली हुई। तो यहाँ पे जी हमने डाल दिया ये देखो अदरक लहसुन एल, और यहाँ जी मैंने डाल दिया गरम मसाला। तो यहाँ पे अब ये गोश्त है, और साथ में मैंने 3 जो है हरी मिर्चें वो काटी हैं, इसको हम भूनेंगे मसाले में। और 2 टमाटर जो हैं अभी काट के वो हम डालेंगे इसके अंदर। ये डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, ये रोटी गली हो टूटे ना, यही असल में हुनर बनती है। थोड़ा जा भुनेंगे टमाटर, आप लाल मिर्च नहीं पाते इसके अंदर? ओनली काली मिर्च, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कोई क्यूब चूब नहीं ऐड, सिर्फ ओनली यखनी। अच्छा जी ये देखें ये यखनी है, बकरे का अपना टेस्ट रहने देती हूँ, ये यखनी साथ अंदर जाएगी, बाकी शायद असल टेस्ट। और इधर जी हिना जी काट रहे हैं टमाटर, कट गए ले टमाटरियाँ हमने डाल दी हैं। कितने टमाटर डाले हैं? 2 दरमियाने छोटे बड़े?
ਵੱਡੇ ਸਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਾ ਦੋ ਬੜੇ ਟਮਾਟਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵ ਸੀਂਦੀ ਆਨੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਮਨੇ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਉਨੀ ਸੇ ਸਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪਲਾਉ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਸੇ ਜੀ ਜੋ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਜੰਮੀ ਉਨ ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਕੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਬਰਿਆਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਰੋਲ पता है चिकन रोस्ट में वैसे ही इन्हों ने जो अपनी उनकी वसीम भाई की खाला है ना उनकी कुकिंग भी आई हुई है और वो भी कहती है ज़बरदस्त है जैसे खाने नहीं कोई बना सकता इतना ज़बरदस्त टेस्ट है उनके हाथों में डाल दिया किलो चावल है अच्छा तो तकरीबन मैं लगता है सवा किलो है कोल आहो यस किलो तो ऊपर ही है किलो तो ऊपर ही चले जी अब इसके अंदर आपने यखनी डालनी है हाँ फिर चौल डाल डालेंगे फिर आपको दिखाते हैं फिर चौल डाल देने चौल हाँ जी हाँ प्लास्टिक में छुपाया ही भी यखनी गर्म ये एक मैंने डाल दिया यखनी का इधर तो ये मैं ढाई डालती होती हूँ इसके अंदर क्योंकि यह जो है ना डेढ़ प्याला है चावलों का यह मैं यदा हिसाब रखा है ना बड़े वधिया बनते जे इतने ढाई बजे टुट जानी होंगी है गैस दूसरा आधा मैं और डालूंगी तो चावल हैं जी ये पाकिस्तान में जो मिलते हैं ना कायनात राइस एक किलो है पूरा एक किलो पूरा एक किलो में चावलों की कितने डब्बे हैं ये वाले ढाई ये वाले बाउल है हाँ डेढ़ चावल का वे है वाला तो ढाई मैं फिर ये खाने का सही हो गया चलो बॉयल आने पे आपने चावल अंदर डाल देने हैं ओके जी डन हो गया जी जाना है गोला कबाब एमरजेंसी गोला कबाब एमरजेंसी गोला कबाब का नगास दी है जिसमें टमाटर छे टमाटर ऐसी खाने ने छे टमाटर अदरक लहसुन मेरे पास बना पड़ा है प्याज भी मेरे को बने पे हैं कबाब भी बने पे हैं बाजार से जो मिलते हैं ना गोला कबाब वो वाले मतलब गेस्ट अचानक आ जाए और कबाब आपके पास घर में हो जैसा ना आइए आज हाँ, हाँ, हमने वादा कर लिया था वादा एक छुरी बड़ी यहाँ देखे जी पानी बुबलियाँ मारने शुरू करने लगे तो जब इसकी ज्यादा बुबलियाँ हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे ठीक है और ये इधर जी धनिया काट के रखा हुआ धनिया की खूबसूरती चेक करें वाओ जबरदस्त आउट क्लास डाल दें इसमें चावल इनको ना मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भी भून लिया हुआ था ओके इसको हम करेंगे यूं अच्छा इस तरह क्योंकि हिना की कुकिंग आउट क्लास होती है जी जबरदस्त मैं कहती हूँ क्या ही बात है थोड़ा जहाँ सिरका सिरका क्योंकि नींबू नहीं है मेरे पास यहाँ अच्छा अगर सिरका कितना और नींबू कितना हो इसके अंदर एक चम्मच बहुत एक चम्मच सिरका और नींबू का भी जूस एक चम्मच एक टेबल स्पून और इसको हल्के हाथ से तो कुछ नहीं होगा चावल ना जरा मजे भी हो जाते हैं अच्छा आपने अच्छा मैं चावल बहुत हलाने जिसको हलाना ज्यादा नहीं है नहीं जी टूट जाते हैं ओके लोगों ने हम काटा कवर जो पानी तुसी थोड़ी देर बाद चेक करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਪਦੇ ਰੱਖੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਚਮਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਚ ਇੰਜ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਦੇਣਾ मुझे बहुत गंदी आते हैं मैं अंडे का कचूमर बना लूँगी फ्रेंच टोस्ट में साट दूँगी चम्मच में चेंज हलाई जावाँगी ये क्या है ये जी फ्राइड अनियन है ये मैं लेके आई हूँ इन्हीं के साथ आज बनेगा ओके कबाब का मसाला ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं मिलते होंगे जो नहीं मिलते ना बड़े स्टोरों में वैसे मिल जाते होंगे फ्राई उन्हें मिल जाते हैं पता करा ले कोई ना औरतें कर दी ने पूरी बोरी उन्होंने दे अच्छा प्याज तल के तानू फ्राई करके तो दे ओ ऐ करदे ने कम मेहमान नहीं मेहमान मेहमान तो पूरा पूरा मसाला मोला भुन के ना विच मसाले फ्रीज कर लेंदे ने फिर मछली का मसाला अलग होता है हांडी कढ़ाई का अलग ये ले जी मैं कर लंदी हूं टमाटर प्याज अदरक लहसुन सारा
वेखो जी इंज दियां भैणां होणियां चाहीदियां ने स्पीडो स्पीड वो मेरे लिए जी खुशी च मैं कहिंदी कि खलोंदी नहीं पई खुशी च खलोंदी नहीं पई कद्दू गोश्त बना लिया यखनी आला मटन पुलाओ और अब जिधर एमरजेंसी कबाब मसाला भी बन रहा पै गई जी एमरजेंसी सना जी आ गए तो एमरजेंसी लागू हो गई है हूँ मेरी भैन वेखो सारे भांडे कढेगी बाहर उन्होंने समझ नहीं आनी कि अंदर रखा केड़े मैं बाहर कढ़ा ए चट्टू वड्डा भी कढ़ लैनी हाट पाड़ भी कढ़ लैनी बाहर सारा कुछ कढ़ दे बाहर अच्छा 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 हांडी ढूंढ रही थी। हाँ जी सना जी आप क्या करके आई हैं? बेडशीट चेंज करके आई हैं। कंघा भी बाहर के आई हैं। बोधा सौदा सेट हो गया था। ये लें जी ये कबाब मसाले के लिए है। ये माचिस से जलेगा क्योंकि ये चूल्हा जल रहा है ना गैस उधर कम होती है फिर इसको माचिस लगानी पड़ती है। ये भी आपको टिप आज मैं देती हूँ। बस मैं सना जी खाना सफाइया कर दी है ना है सना पूछने चलना भाजी मैं आपने याद रखना कि जब इसको आपने बालना हो उसको स्लो आप करें। ओ माय गॉड पतीले में मेरा सूट नजर आ रहा है ग्रीन मूंगिया यहाँ पे बनेगा जी कबाबों का मसाला जरा गर्म हो गए तेल अरे है पानी पानी है अभी सना अभी इसमें ना बर्फ कोई नहीं दे गया अदरक लहसुन है देखो अदरक लहसुन भी हमने डाल दी है इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे है देखो इसी तरह ना आप कोई भी हांडी बना सकते हैं कोई कबाबा का सालन हो गया मुर्गी बनानी है कोई बोनलेस चिकन मुर्गी का भी पतीले दा ढकना पानी देखा आपने देख लिया जी इसको हिना जी ने कितना कम इसको हिलाया मैं तेन पहुंचाड़ दी हूं चोला चले आज ये मैंने सीखा वैसे आके नहीं नहीं गिला नहीं करना पानी अंदर पहले ही ज्यादा है उसके मैंने हमेशा क्या है अपने आप को सीखने के अमल में रखें और उस चीज को गौर से देखें हमेशा वो आपके काम आए जी ये लें जी बेहतरीन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी जी मैंने एक अच्छे ट्रिक आज खरीदे कह रही हूँ अच्छे ट्रिक आज मैंने आप ही आए और ट्रिक खरीदे ट्रिक मैंने सीखे हैं जी बस जुबान है टांग हमारी इधर उधर ये सारा नमक मिर्च जाएगी ओके आज आपको हर एंगल से कुकिंग दिखाऊंगी कभी इधरले पास से हो कभी परले पास से हो कुकिंग हो रही है जी कुकिंग जी जान लग के हाँ इसलिए जी कहते हैं बहनें होनी जरूरी हैं और जैसी मेरी बहनें वैसी होनी तो बहुत ही जरूरी है थोड़ी सी हल्दी ये देखें क्वार्टर टी स्पून हल्दी है ये और इसमें मैं क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा सा हाफ और क्वार्टर मतलब कि तुम हाफ कह लो हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर का और हाफ टी स्पून मैंने डाला है सोल्ट और जो ज़रा कुछ तीखा खाता है वो ज़्यादा भी डाल सकता है ज़्यादा डाल सकते हैं नमक में चार स्वाद अनुसार हाँ अपने टेस्ट के हिसाब से हमेशा स्वाद अनुसार इसराइली ब्रांड नहीं खाती बच्ची नहीं खाती है चीज़ें
देखें जी कितना ज़बरदस्त मसाला, हर चीज़ परफेक्टली पेस्ट की तरह बनी हुई है। इसमें आप कुछ भी डाल लें, सब्ज़ी डाल लें, चिकन डाल लें, कबाब डाल लें, सब्ज़ी डाल लें। और ये देखें ये जी मेनू के हैं, पाकिस्तानी ब्रांड है ये एक पैकेट। इसमें तकरीबन होंगे आई थिंक 15 18 18, हाँ मेरा अंदाज़ा था शायद 20 हो, 15 हो और 18 है जी। तो 6 18 तीन तीन खाओ, 6 बंद का खाना रेडी है जी। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮਟਰ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਡੇ ਵੀ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ 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 ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਜਿਸਮ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਤੇ ਹਨ, ਕੋਫਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਐਸੇ ਹੀ ਸੇਮ ਇੰਜ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਫਤੇ ਐਸੇ ਡਾਲਦੇ ਆ ਆਪ ਅੰਦਰ ਸਾਥ, ਬੋਇਲ ਆ ਗਈ ਆਲੂ ਡਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਸਭ ਕੋਫਤੇ ਲੈ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਆਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰਵੇ ਹੁਣ, ਚਲੋ तो यहाँ पे जी ये डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्च, हरी मिर्च गई तो ऐ देखो ऐ गया धनिया, वाह यहाँ थोड़ा ही पावा धनिया, तुम हांडिया च बहुत पाते हो भाई, भाई धनिया अच्छा लगता है मुझे तो धनिया, क्योंकि बगैर ना हांडी हांडी लगती नहीं है। ऐ देखो ठहर नहीं, मैं तेरे कैमरे तो वीडियो बनाने, क्या जबरदस्त हांडे ही, मेरे कैमरे का रिजल्ट सबको ही बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी ऐसे। ये लो जी ये पुलाव के साथ खाएंगे, पुलाव के साथ। अच्छा वैसे ये नान के साथ भी खाएं तो बड़ा मजा है ना, बड़ा मजे का नान बड़ा हुए, हां नान पे बड़ा। हाँ के व्लॉग में काफ़ी कमेंट आए हुए थे पतीलों के हवाले से, तो जो पतीले हैं वो हैं जी अल्फा कंपनी के। सदके जाए तेरी, तुम इसकी काश्तकारी देखो, आपने तो पिकासो को पीछे छोड़ दिया, काश्तकारी नहीं पिकासो, बिग पेंटर पिकासो की करोड़ों की पेंटिंग बिक दी है, आपने पिकासो का नहीं सुना? ना ना मां सदके हूं की पाएंगी विचकार, आप ही बहने तो प्याज नहीं कटे हसदी वेख ये क्या करनी है गाजर ये वाली, रुक 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 रुक, अच्छा रुक 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 रुक, कारीगरी के सैलड बन रहा है जबरदस्त। अब इसकी तारीफ में क्या बोलोगी, सलाद की तारीफ में इंग्लिश में सना वेखी वेखी की बनाया ही बोली, सलाद बनाया, और इंग्लिश में क्या कैसे कहती है, वाह सलाद क्या बोलो। चलो जी खोले दम, इधर देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सलामी आज का मौसम कहती सलामी में खड़े हुए वाह जी जबरदस्त। देखें जी एक एक दाना मैं आपको बहुत क्लोज से दिखाती हूँ, एक बार हाथ पीछे करिए अपना, ये देखें जी ये आप इतने क्लोज से देख लें, ये होता है जी असल पुलाव जी। हाँ बिरयानी भी मज़े की बनाई थी मैंने, तो चलें जी हमने भी फ्रेश हम हो गए हैं, खाना शाना पका के, और अब जो है ये पुलाव लेके जाते हैं, अब खाना करेंगे जी हम डिश आउट। हेलो बिस्मिल्लाह, और ये मैंने बनाया है चांपों का और गर्दन का गोश्त था और सीने का पुलाव, उसी का अच्छा बनता है। मैं देखो अस तीन बंद ने खाना तो मैं उस हिसाब ना ही जरा ना, ताकि फिर ठंडा ना हो सना, बच्चों के लिए फिर ले जाएगी साथ। चलो जी थोड़े चावल पाइए, बोटियाँ ही बोटियाँ हो गई, ये लो सना ये ले जाना, मैं सालन भी डालूँ
खुशबू है, पाकिस्तानी चावलों की बड़ी अच्छी खुशबू है। मैं वहाँ पे बनाती हूँ ना, उधर नहीं आती इस तरह की। इधर तो बड़ी अच्छी, ये लो इधर से उठाऊँ, ले जाओ एक मिनट के लिए। ये निकाली सलाद, ये देखो। अब ये हम बन, अब ये हम कबाबों का सलाद। ये कबाबों का गया जी सालन। धनिया जो पहले वाला डाला था ना बेचारा काला ही हो गया। चलो ये चलो ठीक है। लो लो ये ये देखो, ये हमारे असाल है। चलने हैं अंदर। ले आओ सालन वाला चम्मच, ले आओ कद्दू गोश्त ले आओ। ये देखें अब्बू जी ने पहनी हुई है न्यू शर्ट, न्यू पजामा, इतने अच्छे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। सना ने भी जी कपड़े छपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, फ्रेश हो गई है, सारा काम शाम करके किचन का। हाँ बड़ा शानदार सूट है, अब्बू जी कह रहे हैं बड़ा शानदार। अब्बू ने दे थोड़े खाने दे, तो दे दो उनको भी थोड़े, अब उनके सामने खा रही हो, मांगेंगे देने थोड़े। दे देखो सर थोड़े जो काट के दे देने, थोड़े दे अबे और आनवी हो। किन्ना कुछ अबू जी कहते ने किन्ना कुछ उससे आपकी शुगर हाई हो जाती है। इंडिया शैवा नहीं खानियां, कुल्फियां मांगते ने, सेवन अप मांगते ने, अंब मांगते ने, मैं क्या करूं अबू जी का। तो फ्रिज में कहते जाके फ्रिज खोलो, बर्फ ही नहीं जमन देते पे। फ्रीजर सारा दिन खोल खोल के ना फ्रीजर, ओते च बर्फ ही नहीं जम रही पई। हुन मैं अगला फ्रीजर चला देना। बाद को फ्रीजर लगा कुछ भी चीज नहीं पई, पता नहीं नहीं कोई शह नहीं पई हुई। चलो आ जाओ, हाँ आपको बाहर छोड़ के आऊंगा। कुछ भी नहीं, दुनिया की कोई शह भी नहीं जो तुम दे सकी है। बजी वो गाड़ी पे जाना नहीं है। हाँ गाड़ी पे जाना है, जो बाजी से उठाओ पर चले। अच्छा और हुकुम, पीछे गई पीछे गई टप दे बेटी, ओदे विच बैठ गई टप दे विच। अच्छा ये किसने दिया है आपको? बस जी हम अबू का की करिए, अबू नू बंदा कितो कितो मना करे। अबू ने अपनी बार भी एक टीम रखी है। तो अब जी मैं सना और सना हम जा रहे हैं बाजार। ते सना आई है अपनी गड्डी ते, जो मेरी बहन है सना वो। तो बस मैंने कहा चलो, कहती आ जाओ आप लोगों को बाहर लेके चलो। तो जड़ी मेरे को बच्ची वो कहती है गड्डी मेरी बाजी चलाएगी, उन्हें बड़ा शौक है कि मैं गड्डी चलाऊं। उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कुछ खा पी के आए बाहर से, इन्होंने गोलगप्पे खिला के ले आई। गोलगप्पे आ गए आ गए आ गए मामा येंडा। आओ ठंडी 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 तो रास्ते में से जी सना ने फ्रूट भी लिया घर के लिए। अब्बू जी मीठे बड़े शौक से खाते हैं, आड़ू भी बड़े मज़े के थे, और आज हमने फिर वही गोलगप्पे खाए, सना ने खिलाए जो हमने कल खाए थे। तो सना ने भी बड़े मज़े के लगे, कहती खट्टा वाकई मज़े का। गड्डी ला कर छड़ी है।
ਕੱਢ ਫਰੂਟ ਬਾਜੀ ਪੱਜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਫਰੂਟ ਫਰੂਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਜੂਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੇ ਲਈ ਮਿਲਾਓ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਲਾਓ ਸਨਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਨਾ ਕੇ ਲਈ ਸਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੂਸ ਆੜੂ ਕਾ ਵੇਖ ਨੀ ਕਿੱਡਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਹੀ ਆਹੋ ਲੈ ਆਏਗੀ ਡੱਬੇ ਚਲੋ ਲੈ ਆਓ ਬਾਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਾੜੀ ਰੱਖੋ ਬਾਜੀ ਕੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਆ ਕੋ ਉਹ ਗਈ ਜੇ ਉਹ ਗਈ ਟਾਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਆਹੋ ਦੇ ਟਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨਾ ਦੇ ਟਾਫੀ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਤੋ ਸਨਾ ਜੀ ਅਭੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਔਰ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਹੈ ਚਾਵਲ ਡਾਲ ਦੀਏ ਥੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਥੇ ਮਟਨ ਕਾ ਪਲਾਓ ਗੋਲਾ ਕਬਾਬ ਕਾ ਸਾਲਨ ਥਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਜੁੱਥੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਥੇ ਮੈਨੇ ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੇ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇ ਦੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਰਾਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਫਜਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋ ਸੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਕਹੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਨ ਆਈਏ ਬੱਚੇ ਉਸਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੋ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਸ ਕੋ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈ ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆਜ ਆਈ ਥੀ ਤੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸਪੈਂਡ ਕੀਆ ਤੋ ਅਭੀ ਗਈ ਹੈ ਵੋ ਵਾਪਿਸ ਅਤੇ ਬਸ ਆਜ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਘਰ ਮੇ ਰੌਣਕ ਲਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਨਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਨਕੋ ਬਾਹਰ ਸਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਚੱਲ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਜ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੁਲੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਸਨਾ ਨੇ ਆਜ ਬਣਾਇਆ ਸਲਾਦ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੇ ਆੜੂ ਵੀ ਕਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆੜੂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਥੀ ਸਨਾ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਸਨਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਲਾਦ ਬਈ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਾ ਸੋਨੀਆ ਤੋ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਸੋਨੀਆ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਨਾ ਵਧਾਉਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੋ ਖਾਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਕੈਸੇ ਆਏ ਪੜੇ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੈ ਜੀ ਖਾਣਾ ਆਪਕਾ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਆਹੋ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆ ਗਏ ਸਨ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਫੜਦੀ ਹਾਂ ਦਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਔਰ ਇਹ ਥਾ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਕੱਲ ਕੇ ਵਲੋਗ ਮੇਂ ਦੁਆਓਂ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਂ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼